पर्पल फेस्टिवल 2024 हम अभी है पर्पल फेस्ट में और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। उन्हीं स्टॉल में पर्पल फेस्टिवल मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग हैं यहाँ पे जो सेंटर है एक स्टॉल है सिकल सेल जागरूकता अभियान, इनके अंतर्गत यहाँ पे एक स्टॉल है। नेस्को के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनके साथ हम लोग बात करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस सर? वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको पर्पल फेस्ट बारे में क्या लगता है, अभी तक फीडबैक क्या है? पर्पल फेस्टिवल इंटरनेशनल हो गया, लास्ट ईयर ये नेशनल था, इस ईयर ये इंटरनेशनल हो चुका है, और आपके सेंटर के बारे में बताइए। ये बहुत बहुत धन्यवाद कि डिसेबिलिटी में ये इंटरनेशनल सेक्टर हुआ है। लास्ट ईयर भी हमने इसको अटेंड किया था और इस बार भी हम पूरी तैयारी से आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गोवा गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सेक्टर का कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया। हम लोग सिकल सेल डिसीज़ से आते हैं, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसे भी डिसेबिलिटी में 2016 के एक्ट में लाया गया है, जिसमें ब्लड डिसऑर्डर में थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल डिसीज़ भी आते हैं। तो सिकल सेल डिसीज़ का प्रिवलेंस भारत में बहुत पुराना है और तकरीबन 17 स्टेट्स में सिकल सेल डिसीज़ मोर प्रिवलेंस है और 14 लाख के ऊपर पेशेंट्स हैं। और इस डिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए हम जैसे कैरियर्स लगते हैं, मैं भी इस डिसीज़ का कैरियर हूँ, और मेरे साथ खड़े मिस्टर ललित और मिस्टर डोमेश, ये दोनों इस डिसीज़ के वॉरियर्स हैं। तो मेरे जैसे कैरियर्स मिल करके डिसीज़ वाले बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें मेरे दो बच्चों को भी ये डिसीज़ हो गया है। तो हम लोग जो नेशनल अलायंस सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन है, जो राष्ट्र की संस्था है, पेशेंट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग काम कर रहे हैं इसके अवेयरनेस के लिए, और आज आपके माध्यम से हम सारी जनता को बताना चाहेंगे कि ये डिसीज़ काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जेनेटिक है, और इसको हमें रोकना है। हम रोक सकते हैं सिर्फ शादी के पहले एक छोटा सा ब्लड टेस्ट कर ले, जिससे हम पता कर ले कि हमारे शरीर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, जैसे सिकल सेल हो या थैलेसीमिया हो, तो हम इसको रोक सकते हैं। शादी के बाद हम प्लान कर सकते हैं बच्चों को कि इसमें ना हो। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट को हो गया है तो हम बताना चाहेंगे कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इसमें इनोवेशंस हो रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इलाज है जो सारे लोग तो नहीं कर पाते, बट एक हाइड्रोक्सी यूरिया ट्रीटमेंट आया है जिससे हम लोग इस डिसीज़ के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस के लिए भारत सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नेशनल सिकल सेल इरेडिकेशन मिशन लॉन्च किया है, जो कि 2047 तक उन्होंने टारगेट रखा है कि सिकल सेल को हम भारत से मुक्त करेंगे। उसके लिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस डिसीज़ को मिशन रूप में लाया है, और इसे ख़त्म करने के लिए हम आह्वान करते हैं कि शादी के पहले हर किसी व्यक्ति ने अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे आप देखकर लगेगा नहीं कि मुझे इसके कैरियर हूँ, लेकिन ऐसे ही करोड़ों लोग यहाँ पर घूम रहे हैं जिन्होंने शादी के पहले अगर टेस्ट करा लिया तो जो लाखों पेशेंट्स पैदा हो रहे हैं उनको हम लोग रोक सकेंगे। तो मेरा ये आह्वान है आज पर्पल फेस्ट के तौर पे कि हर किसी ने अपना ब्लड टेस्ट कराए शादी के पहले, और जान ले कि किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, और हम इसको रोकने में मदद करें। थैंक यू गौतम जी हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिकल सेल डिसीज जो है, जो डिसीज़ को हमें लगता है कि सब ने सीरियसली लेना चाहिए, और जैसे गौतम जी ने बोला नहीं इज़ अ नेशनल सेक्रेटरी फॉर नेस्को, उसी तरह से सब ने ये डिसीज़ सीरियस लेना चाहिए। कैमरामैन राजू के साथ दिस इज़ संदीप फॉर पर्पल टीवी।